नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एम एस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL और MTNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स। तो खबरों की शुरुआत में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं BSNL, MTNL और सभी टेलीकॉम कंपनीज के लिए। DOT के द्वारा इसरो से इस रिलेटेड बात की गई है कि जल्दी से जल्दी वो मिलीमीटर वेव्स का जो बैंड है 5G के लिए, उसको 5G की खबर कमर्शियल सर्विसेज के लिए उसे खाली किया जाए। इन्होंने DOT के द्वारा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को उसके यूजेज को लिमिट करने के लिए, और जो बैकिट रिमेनिंग एयर वेव्स हैं जिनमें MM वेव्स बैंड है उसको खाली करने की बात कही गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो MM वेव बैंड्स हैं ये काम आएगा 5G सर्विसेज देने के लिए। जल्दी ही आपको पता है कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज जल्दी ही लाने वाली है 5G, और 5G के लिए चाहिए एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी बैंड जो कि 24.25 से 27.50 GHz का है। ये इतनी फ्रीक्वेंसीज को कवर करेगा। और DOT के रामचंद्र शेर एट ए वर्चुअल इंडस्ट्री इवेंट वेडनेसडे को इन्होंने इसके बारे में सूचना दी। यहाँ पर आपको बता दें कि द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स 5 स्पेस स्टेशन इन द MM वेव बैंड्स। द ऑफिशियल सेड दैट 5th जनरेशन और 5G सर्विसेज वुड नॉट ओनली रिक्वायर ए सिंगल बैंड बट रेडियो वेव्स अक्रॉस द सब GHz मिड बैंड एंड मिलीमीटर वेव बैंड। 5G इज इम्पॉर्टेंट फॉर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन M2M एंड वी आर कमिंग अप विथ एडिशनल गाइडलाइंस, रामचंद सेड। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है 5G, और हम जल्द ही इसके लिए गाइडलाइंस भी लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसा उन्होंने बताया है कि जो 90% जो ग्रोथ की है इंडिया में 4G मोबाइल के द्वारा, उसको कवर किया गया था 2019 में, और वहीं 2025 तक 24% न्यू मोबाइल सब्सक्राइबर आएंगे ऑल इंडिया लेवल पर, ऐसा एस्टिमेट किया गया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये कम्प्लीटली 5G के लिए रोड मैप तैयार करने और नेक्स्ट जनरेशन जितने भी नेटवर्क हैं उनके लिए रोड मैप के लिए यहाँ पर चर्चा की गई थी। GSA एक्टिवली प्रमोट्स द 3GPP टेक्नोलॉजी रोड मैप फॉर नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क। तो ये तो थी 5G से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। वहीं 26 अक्टूबर 2020 के लेटेस्ट लेटर जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है, उसके द्वारा यहाँ पर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये मैंडेटरी कर दिया गया है, आवश्यक कर दिया गया है यूटिलाइजेशन ऑफ नेटवर्क ऑफ BSNL एंड MTNL फॉर इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और लीज लाइन बाय ऑल द मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और CPSU यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। सभी के लिए ये ज़रूरी है कि वो BSNL और MTNL का ही इंटरनेट सर्विस और लीज लाइन सर्विस और लैंडलाइन सर्विस यूज करें। वहीं MTNL कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली अपडेट आ गई है कि MTNL के कर्मचारियों की सैलरी, अक्टूबर मंथ की सैलरी के भुगतान की फाइनल डेट आखिरकार इन्होंने रिलीज कर दी है। और यहां पर जानकारी दी गई है कि जो अक्टूबर मंथ की सैलरी है वो 3 नवंबर 2020 को क्रेडिट हो जाएगी, और इसके लिए इन्होंने यहाँ पर ऑफिशियल लेटर भी जारी कर दिया है। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है MTNL के कर्मचारियों के लिए। और जहाँ तक BSNL के कर्मचारियों का है तो जल्दी ही MTNL के कर्मचारियों के साथ में ही BSNL के कर्मचारियों की भी सैलरी क्रेडिट होने के चांसेस हैं। जैसे ही कोई अपडेट मिलती है हम आपको इसके रिलेटेड जरूर जानकारी दे देंगे। इसके अलावा GPF से रिलेटेड कर्मचारियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और लेटेस्ट अपडेट लेकर के आए हैं हम आपके लिए। इसमें बताया गया है कि जो आपका GPF या फिर अदर सिमिलर फंड है सभी पर 7.1% इंटरेस्ट मिलने वाला है आपको 1 अक्टूबर 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 तक, और ये रेट 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगी। तो ये तो थी GPF से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सूचना जो कि बहुत ही ज़रूरी है, ERP प्रोसेस फॉर सेंक्शन एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ एक्सक्रेसिया एज फोर्थ इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग रिविजन ऑफ एक्सक्रेसिया पेएबल इफ एनी ऑफ BRS 2019 ऑप्टेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 28 अक्टूबर 2020 की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसी के द्वारा यहाँ पर अपडेट दी गई है।
और ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है किसके, BRS ऑप्टीज के फोर्थ इंस्टॉलमेंट के एक्सग्रेशिया से जुड़ी हुई। तो जैसा कि आपको पता है कि लंबे समय से BSNL और MTNL के कर्मचारियों को फोर्थ इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्सग्रेशिया का इंतज़ार रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सर द अंडरसाइंड हैज़ बीन डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड हेयर विद द प्रोसेस डॉक्यूमेंट फॉर सेंक्शन एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ एक्सग्रेशिया एज फोर्थ इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग रिविजन ऑफ एक्सग्रेशिया पेएबल इफ एनी। यानी कि फोर्थ इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्सग्रेशिया का तो भुगतान करना ही है, साथ ही अगर उसमें कुछ रिवीजन हो सकता है एक्सग्रेशिया में तो उसके लिए भी यहाँ पर उसको इंक्लूड करने की भी बात कही गई है। यानी कुछ अगर एक्स्ट्रा भुगतान किया जाता है रिवीजन के द्वारा, पे रिवीजन के द्वारा, तो उससे भी उनको बेनिफिट मिल सकता है। वहीं इन्होंने कहा है कि BRS 2019 ऑप्टीज एज रिसीव्ड फ्रॉम द ERP SCM कोर टीम। इन दिस रिगार्ड ऑल सर्किल्स आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन एज लेड डाउन इन द प्रोसेस डॉक्यूमेंट। द प्रोसेस डॉक्यूमेंट इज सेल्फ कंटेंट, हाउएवर इन केस ऑफ एनी डाउट SCM कोर टीम मे बी कंसल्टेड विथ। मोस्ट लाइकली द फोर्थ इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्सग्रेशिया विल बी द लास्ट इंस्टॉलमेंट एंड देयर फोर इट मे बी इंश्योर दैट द प्रोसेस मे बी एग्जीक्यूटेड विथ अटमोस्ट ड्यू केयर एंड आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑफ द सर्विस पर्टिकुलर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ रिटायरीज अंडर BSNL BRS 2019। इट इज़ नॉट आउट ऑफ प्लेस टू मैंशन दैट इन केस ऑफ एनी रॉन्ग पेमेंट द इरिंग ऑफिशियल्स विल बी हेल्ड पर्सनली रेस्पॉन्सिबल, दिस मे बी ट्रीटेड एज मोस्ट अर्जेंट। तो यहाँ पर इन्होंने पूरी जानकारी देते हुए कहा है कि यहाँ पर जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट का भुगतान करना है आपका, उसमें अगर कुछ भी एरर होती है तो सीधे सीधे जिसके ऑफिसर के द्वारा ये एरर होती है उसी को ही पूर्णतया उसका भुगतान करना होगा। और इट मे बी इंश्योर दैट द प्रोसेस मे बी एग्जीक्यूटेड विद अटमोस्ट ड्यू केयर एंड आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस पर्टिकुलर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ रिटायरीज अंडर BRS 2019। यानी कि पूर्णतया ध्यान दे करके और किसी भी तरह से कोई मिस्टेक ना करते हुए इसको एक्सग्रेशिया का जो डाटा है वो सबमिट करना है। अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी जिन ऑफिसर्स के द्वारा इसको पास किया जाता है। हालांकि यहाँ पर इन्होंने इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट में फिक्स डेट अभी भी नहीं बताई है कि कब तक आपका पेमेंट जारी हो जाएगा। तो दोस्तों अब BSNL की सैलरी की डेट अभी बाकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि MTNL की अक्टूबर 2020 की जो फाइनल डेट है, जिसमें अक्टूबर मंथ की सैलरी का भुगतान करने की जो फाइनल डेट है वो दे दी है इन्होंने 3 नवंबर। यानी 3 नवंबर को MTNL के कर्मचारियों के लिए तो काफ़ी बड़ी खुशखबरी है कि उनकी सैलरी एकदम से देखा जाए तो 2-3 दिन के अंतर में ही उनका भुगतान हो जाएगा। एक तरह से कह भी सकते हो कि आप टाइमली सैलरी का उनका भुगतान हो जाएगा, और जल्द ही जहाँ तक मैक्सिमम चांसेस है अपने BSNL के सभी कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान भी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हो जाएगा, और नेक्स्ट मंथ से यानी नवंबर मंथ से आपकी सैलरी रेगुलर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जैसा कि आप रेवेन्यू भी देख रहे हो कि GSM रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी हुई है इस बार, और साथ ही जब से ये लेटर जारी किया है तब से लीज लाइन लैंडलाइन कनेक्शन से रिलेटेड जो सरकारी का संस्थानों में मस्ट कर दिया गया है उससे ज़रूर इसको पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।